हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ। क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में हमने पिछली क्लास में 68 बीपीएससी के जगह क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें हमने इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में डिस्कस किया, क्या बेसिक इनके बीच में अंतर है, उसका आधार क्या है। तो एक रेफरेंस के आधार पर अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, आपको उसके आधार और जो फैक्चुअलिटी है उसके आधार पे आपको आंसर डील करना होता है। रिसेंट जो डेवलपमेंट हैं, रिसेंट जो इंफॉर्मेशन उसके बारे में आई है किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी मैगजीन के माध्यम से, किसी रिसर्च संस्थान द्वारा, उसको आपको उसमें प्रोवाइड करना होता है। तो हमने उसमें फ्लो चार्ट भी देखा, किस प्रकार से हम अपने आंसर को फ्लो चार्ट के माध्यम से एक आधार बनाते हुए अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि आप मेन बॉडी पार्ट, उसके आंसर का जो इंट्रोडक्शन है मेन बॉडी पार्ट है, और आंसर का जो मुख्य भाग होता है आपका मेन बॉडी पार्ट, और साथ ही जो कंक्लूजन है किस प्रकार से आप उसको अटेंड कर सकते हो। तो हमारा बेसिक सा हमने पिछली 7-8 क्लासों में जो देखा है एक पैटर्न, अब आपको समझ में आने लगा होगा कि डिमांड क्या होती है कमीशन की, आपके माध्यम से आपको सेलेक्ट करने का जो एक प्रोसीजर है, जो एक पैमाना है, उस पैमाने में आप कितने खरे उतरते हो, यह इस रूप में भी डिसाइड होता है कि आपकी राइटिंग शैली कैसी है, उत्तर लेखन शैली कैसी है। तो बेसिक चीज़ ये हमने देखा। बाकी आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन और 68 बीपीएससी से लेंगे और उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से क्या कंटेंट उसमें होना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक सधा हुआ आंसर क्या हो सकता है। आप अपने जो की पॉइंट हैं उसको आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जुड़कर अपने आंसर की फॉर्मेट को हमें भेज सकते हैं। विद इन 72 आवर्स हम आपको चेक करके आपका रिव्यू देंगे कि आप में कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर आपको जो बेसिक बेनिफिट ये भी होगा कि आपकी कमी कहाँ निकल कर आ रही है वह हम पर्सनली डील करेंगे एक दूसरे से, और साथ ही हमारी टीम भी डील करेगी। तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, ताकि उन नीडफुल लोगों को हमारी यह जो सार्थक प्रयास है वह इससे लाभान्वित हो पाए और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़कर इस इनिशिएटिव का फायदा ले पाए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से हम उस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन आपका नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में है। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, उस पर चर्चा करना है। एंड मेंशन विद द एग्जांपल हाउ इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज। विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, उदाहरण सहित इसका उल्लेख करना है। तो एक नैनो टेक्नोलॉजी का, जिसे हमने एक क्वेश्चन शायद तीसरा या चौथे क्लास में नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर था कि क्या इसकी भूमिका हो सकती है वर्तमान समय में, इसमें पर्टिकुलर आपका स्पेसिफिकेशन दिया है कि हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या होगी। तो इसके संदर्भ में हम अपना क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। बाकी फॉर्मेटिंग मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, आपका फॉर्मेट जो है मेन इंट्रो के पार्ट में, आपके मेन कंटेंट पार्ट जो आपका मुख्य भाग होता है आंसर राइटिंग का, और आपका कंक्लूजन, इस रूप में व्यवस्थित तरीके से डाटा का प्रयोग करते हुए कैसे आप इस्तेमाल करेंगे इसमें हम देखेंगे। और पिछले क्वेश्चंस में भी हमने देखा है कि आप कैसे एक व्यवस्थित तरीके से अपने आंसर की संरचना करते हैं और व्यवस्थित तरीके से आपसी शब्दों के कनेक्शन के माध्यम से, वाक्यों के जुड़ाव के माध्यम से आंसर को प्रस्तुत करते हैं। तो यह हमारी इस क्लास का कंटिन्यूएशन होगा, जिसमें आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से हम डील करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करना है। तो एक स्पेसिफिकेशन दे दिया है आपका कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या भूमिका है नैनो प्रौद्योगिकी की, नैनो टेक्नोलॉजी की। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो इस संदर्भ में आपको कुछ रोगों का रेफरेंस लेते हुए भी नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रकार से इफेक्टिव हो सकती है उसके संदर्भ में बात करनी है, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के माध्यम से, कि टारगेट जिस जो भी रोग का एक प्रसार है, जो भी रोग है
वह उसी हिसाब से उसको टैकल करे, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो ताकि जो रोगी है वह इससे लाभान्वित हो पाए, इसके संदर्भ में देखेंगे। इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी किस प्रकार से वर्क करता है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग क्या है, नैनो पार्टिकल कंट्रास्ट एजेंट किस प्रकार से काम करते हैं, डिसीज ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कैंसर में, और अदर सेलेक्टिव जो कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं कैंसर में नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या हो सकती है, इसके संदर्भ में देखेंगे हम अपने आंसर की फॉर्मेटिंग में, और साथ ही वैक्सीन डेवलपमेंट देखेंगे और इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो एक संदर्भ अगर हमने जो बात किया उसको हम देखें तो एक आधार होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है अति सूक्ष्म कंसेप्ट पे काम करता है, जिस प्रकार से आप सभी इससे वाकिफ होंगे कि एक से लेकर जो 1 to 100 नैनोमीटर के बीच का रेंज होता है जिस पर यह कंसेप्ट काम करता है, तो अति सूक्ष्म कण के रूप में, एक पार्टिकल के रूप में यह टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, मान लीजिए किसी का सर दर्द कर रहा है और हेडेक है तो वह किस रूप में जाकर टारगेट जो डिसीज है, टारगेट जो वीकनेस है उसको एक्शन में लाएगा, उसको थेरापिटिक करेगा, ये सारी चीज़ें आपकी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के माध्यम से नैनो टेक्नोलॉजी से संभव हैं। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की बात हमने की। इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी क्या है, इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी मतलब ये होता है कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी उसमें उनके जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसको तीव्र करके उनको वाटर सेल्यूबल बनाता है, तो यह भी नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका है। तो यह ड्रग डिलीवरी किस प्रकार से हो रही है इस रूप में हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा हमने देख लिया ड्रग डिलीवरी, आपका ड्रग डिलीवरी, क्योंकि पॉइंट जो है बेसिकली आपको इस आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग अपने पॉइंट वाइज ही करनी है, और उस पॉइंट वाइज में आपको 1 2 3 4 इस तरीके से आप लिखेंगे, तो एग्जामिनर जो होता है इससे प्रभावित होता है कि आपके आंसर की जो संरचना है वह व्यवस्थित तरीके से है, और एक प्रशासनिक जो डिमांड होती है इसी रूप में होती है कि आपका वर्क किस रूप से व्यवस्थित है, प्रशासनिक है या नहीं है। तो ये ड्रग डिलीवरी हमारा पहला ये है, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी की पहली भूमिका ड्रग डिलीवरी में हमने देखा, जिसमें बायो अवेलेबिलिटी देखी हमने, हमने टारगेटेड ड्रग डिलीवरी देखा, डायग्नोस्टिक जो इमेजिंग होता है जैसे जो शरीर के आंतरिक रोग होते हैं जिसमें आपके पेट संबंधी कुछ बीमारियां हो गई या फिर जो आंतरिक संरचना में जो बीमारी है उसकी जांच के लिए जो इमेजिंग माध्यम होता है जिस प्रकार से सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, और आपका सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सारी चीज़ें आपके इमेजिन में आती हैं और नैनो टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकता है। तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग दूसरा आपका पॉइंट है, हेल्थ सेक्टर में क्या भूमिका निभा सकता है यह क्वेश्चन का हमारा आधार है। तो डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक इमेजिंग जिसमें आप सीटी स्कैन एमआरआई जो होता है आपका मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज जो होता है शरीर के अंदर की जो संरचना है उसकी उसी रूप में प्रस्तुति करता है, और आपका अल्ट्रासाउंड, इस रूप में इसकी भूमिका क्या हो सकती है आप इसको मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर जो आपके आंसर की फॉर्मेटिंग का कोर एरिया है वह इसी रूप में है कि आप हमारे जो की पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं उसको आधार बनाते हुए अपने आंसर की फॉर्मेटिंग करें, बाकी डिटेल से सारी चीज़ें जब आप अपना आंसर लिखोगे उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या और चीज़ें ऐड हो सकती हैं, और अगर आपको अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना है कि इसमें सर ये भी हो सकता है आप इसको ऐड कर सकते हो तो वेलकम, आपके सजेशन का स्वागत किया जाएगा, हम उसे अपने आंसर में शामिल करेंगे और आपको एक बेहतरीन आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है उसको बताने का प्रयास करेंगे। आप हमारे इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हो, लोगों से हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ड्रग डिलीवरी, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, फिर डिसीज ट्रीटमेंट। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो आपका डिसीज ट्रीटमेंट है, डिसीज ट्रीटमेंट क्या है,
इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता है तो जो सेल्स होते हैं वो अनयूजुअल तरीके से ग्रोथ होने लगते हैं और उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। और चूंकि यह अपने नेचर में काफ़ी वेरिएबल होता है और बदलाव लगातार इसमें होते रहते हैं, तो इसलिए इसके जो मेडिसिन हैं, जो इसका ट्रीटमेंट है, वह इस रूप में नहीं हो पाया। तो विभिन्न जो पद्धति हैं, जिस प्रकार से कीमोथेरेपीज हैं और जो अदर प्रकार की दवाइयाँ जो दी जाती हैं, जिसमें उस सेल्स को सप्रेस करने का काम किया जाता है, सेल्स के डेवलपमेंट को रोकने का कार्य किया जाता है, ताकि कुछ हद तक इसको कंट्रोल किया जा सके। अगर तो यह अपने इनिशिएटिव फॉर्म में है, अपने स्टार्टिंग फॉर्म में, प्रारंभिक फेज में है, तो इसे कंट्रोल करना आसान होता है। लेकिन अगर कैंसर के जो सेल्स हैं वह अनियंत्रित वृद्धि काफ़ी लंबे समय से हो रही है, तो फिर आपका कैंसर का जो स्टेज है वह अंतिम हो सकता है और रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें जो डिसीज ट्रीटमेंट आप नैनो पार्टिकल के माध्यम से कर सकते हो, जिसमें सेलेक्टिवली टारगेट कैंसर सेल को आधार बनाकर नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा जो अनियंत्रित सेल वृद्धि है उसको कम किया जाता है। तो यह आधार है आपका डिसीज ट्रीटमेंट में। एंड अदर थेरापेटिक जो एजेंट होते हैं, वह डायरेक्ट ट्यूमर से कनेक्ट करके उसकी जो विस्तार है, उसकी जो वृद्धि है, उसको कम करते हैं। तो हमने डिसीज ट्रीटमेंट में देखा, इसी आधार पर एक होता है डिसीज ट्रीटमेंट में कैंसर सेल को, कैंसर सेल को नैनो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी माध्यम से नियंत्रित सेलों की अनियंत्रित कोशिकाओं की अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि को रोकना। इस रूप में नैनो बायोटेक्नोलॉजी वर्क करती है। इसी में एक कंसेप्ट आता है आपका, जिसमें कहते हैं एब्रेक्सन, जिसमें जो एल्बुमिन बाउंड पैलेक्टिस सेल होता है उसको ब्रेस्ट और लंग कैंसर में, लंग कैंसर की जो वृद्धि है उसको रोकने में काम किया जाता है। एब्रेक्सन एब्रेक्सन इसे नैनो पार्टिकल एल्बुमिन बाउंड जो पैलेक्स सेल होते हैं उसमें जो ब्रेस्ट और लंग कैंसर को ट्रीटमेंट में उपयोगी होता है, ब्रेस्ट एंड लंग कैंसर। लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोगी। तो नैनो टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से ड्रग डिलीवरी करनी है, किस प्रकार से टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करनी है, इसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कैंसर ट्रीटमेंट में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वैक्सीनेशन डेवलपमेंट में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीनेशन डेवलपमेंट में, जिसमें नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन होते हैं और इसमें जो इफिशियंसी है वैक्सीन के कार्य करने की, जो दर है वह बढ़ जाती है, क्योंकि अति सूक्ष्म कंसेप्ट पर यह कार्य करता है, अति सूक्ष्म कंसेप्ट पर यह कार्य करता है। तो वैक्सीन डेवलपमेंट
वैक्सीन डेवलपमेंट किस प्रकार से कार्य करता है, नैनो टेक्नोलॉजी में वैक्सीन डेवलपमेंट बेसिकली अति सूक्ष्म कणों द्वारा, अति सूक्ष्म कणों द्वारा आधुनिक वैक्सीन के निर्माण में सहायता। तो यह इस रूप में होता है, जो नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन होते हैं उस पर वर्क करता है, ताकि जो वैक्सीन एफिशिएंसी है वह बढ़ सके। एंड दिस अप्रोच इज पार्टिकली रिलेवेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, जो संचारी रोग होते हैं उसके संदर्भ में ये वर्क करता है और इसकी भूमिका को बढ़ाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, पांचवा पॉइंट, तो इसमें आपका वुंड हीलिंग कहते हैं इसे, वुंड हीलिंग जो घाव होते हैं घाव को भरने में सहयोग करता है। घाव को भरने में सहयोग करता है, जिस प्रकार से कोई गहरा चोट लग जाए, अंदरूनी चोट लग जाए और खून का जमाव हो जाए, तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वह उस वुंड हीलिंग, उसके उस घाव को समाप्त किया जा सकता है, उसकी जो रेप्लिकेशन की दर है, उसके भरने घाव के भरने की जो दर है उसको बढ़ाकर उसे ठीक किया जा सकता है। तो इस रूप में हमने देखा कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वह हेल्थ सेक्टर में वर्क कर सकती है। इसके अलावा ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, जिसमें आपका ड्रोन के माध्यम से अति तीव्र तरीके से रोग के जो मेडिसिन अवेबिलिटी है, मेडिसिन को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाया जा सकता है और जो मेडिकल सुविधा है उसको विस्तृत किया जा सकता है। तो इस रूप में हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर में नैनो बायोटेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, नैनो टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, और अपने आंसर का एक फॉर्मेटिंग किया। बाकी आप इसका कंक्लूजन इस रूप में लिख सकते हो कि नैनो टेक्नोलॉजी वर्तमान समय में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण तकनीक है और आने वाले भविष्य में इसकी भूमिका और बढ़ने की संभावना है, और विभिन्न तरीके से विभिन्न एजेंसियां और विभिन्न कंपनियां इसमें एडवांसमेंट ला रही हैं, इसको अपग्रेड कर रही हैं। तो इस तरीके से हम अपने इस आंसर की फॉर्मेटिंग करते हैं, जो कंटेंट हमने देखा, और इस तरीके से हमारा ये आंसर कंक्लूड होता है। तो बेसिक हमने पिछले कुछ क्लासों में देखा कि आप किस प्रकार से अपने आंसर को लिखते हो और उसकी क्या क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से क्वेश्चन का डिमांड है और क्वेश्चन में किस तरह के वर्ड आप यूज़ करके उसकी फॉर्मेटिंग करते हो। तो बेसिकली यह इनिशिएटिव हमारा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो सधे तरीके से अपने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके बीपीएससी के लिए। तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नई फॉर्मेटिंग के साथ, और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।